गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सोनल बांदेकर और आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो मैं थ्रू आउट विंटर्स फॉलो करने वाली हूँ। इनफैक्ट मैंने शुरू कर दिया है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली मेरी स्किन टाइप जो है वो है कॉम्बिनेशन। मेरा फुल फेस ऑयली हो जाता है, बट द एरिया अराउंड माई माउथ गेट्स ड्राइड एंड इट नीड्स इंटेंस हाइड्रेशन। सो मैंने फेस वॉश कर दिया है। I have used Doton Keys Deep Pore Clean Milky Foam Cleanser। ये face wash मैंने इस साल के शुरुआत से use करना start किया है। बहुत ही अच्छा face wash है, मेरे face के oils को strip नहीं कर देता, moisturized रखता है and I'm really loving this and I'm going to continue using this in the winters as well। So that's that। नेक्स्ट मैं अप्लाई करने वाली हूँ टोनर, जो कि है प्लम का टोनर, प्लम राइस वाटर एंड नाइसिनमाइड टोनर क्लैरिटी बूस्ट। ओके, दिस इज 3% नाइसिनमाइड। तो ये टोनर जो है, इसके बाद पता नहीं मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है, हाइड्रेटेड लगता है स्किन। और जब से मैंने ये टोनर स्टार्ट किया है यूज करना, आई हैवन्ट स्टॉप्ड यूजिंग इट। एंड जब मेरी स्किन डैम्प होती है टोनर अप्लाई करने के बाद, तभी मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेती हूँ, मैं वेट नहीं करती। बिकॉज मॉइस्चराइजर आप डैम्प स्किन पे जब लगाते हो तो आपकी स्किन जल्दी अब्सॉर्ब कर लेती है मॉइस्चराइजर को। So this is a moisturizer that I'm using, Doton Keys Ceramides and Hyaluronic Skin Barrier Repair Plus Face Cream। Okay, so ये moisturizer oily नहीं लगता आपके skin पे। चिपचिपा भी feel नहीं होता, but it keeps your skin hydrated throughout the day। So, अच्छे से इसे नेक पे भी लगा लेना है, डोंट फॉरगेट योर नेक एरिया। अब ये लगाने के बाद मैं एक दो मिनट रुकूंगी ताकि ये मॉइस्चराइजर सेटल हो जाए, स्किन इसे अब्सॉर्ब कर ले थोड़ा। और यस, एज आई सेड, द एरिया अराउंड माई माउथ गेट्स ड्राइड एंड एस्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स इट गेट्स फ्लेकी, स्किन स्टार्ट्स पीलिंग। सो तब मैं क्या करती हूँ, ये सेटाफिल का मॉइस्चराइजर जो है, सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ड्राई टू नॉर्मल सेंसिटिव स्किन। सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट अप्लाई लिटिल ऑफ दिस मॉइस्चराइजर अराउंड माय माउथ एरिया, जिधर भी मुझे लगता है कि मुझे इंटेंस हाइड्रेशन की जरूरत है। फिलहाल तो मैं ये कर नहीं रही हूँ। यस, मैं मेकअप लगाने के टाइम पहले जरूर कर लेती हूँ, बट अदरवाइज मैं ये मॉइस्चराइजर नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ठंड उतनी शुरू नहीं हुई है मुंबई में। ये दिन के लिए बहुत ही हैवी हो जाता है, सो मैं दिन में इसे अभी तो पूरे फेस पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ। अभी जब जब मुझे लगता है मुझे यहाँ पर इस एरिया में इंटेंस हाइड्रेशन की जरूरत है, मेरा स्किन पीलिंग होना स्टार्ट हुआ है, तब मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। बिकॉज इसे लगाने के बाद आपकी स्किन थोड़ी सी ऑयली हो जाती है, थोड़ा हैवीनेस फील होता है, जो कि दिन में मेरे लिए काम नहीं करता क्योंकि फिर फेस बहुत ही स्वेटी ऑयली फील होता है। बट लेटर जब ठंड बढ़ेगी तब मे बी आई हैव टू यूज दिस वन मेरे फुल फेस के लिए और जस्ट इतने एरिया के लिए। सो यस, तो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद अब दो तीन मिनट हो चुके हैं, अब मैं यूज करूंगी सनस्क्रीन। सो दिस इज अ सनस्क्रीन दैट आई एम यूजिंग, प्लम राइस वाटर एंड नाइसिनमाइड 2% हाइब्रिड सनस्क्रीन। तो मैं ज्यादा नहीं यूज करती, मुझे जितना लगता है अपने फेस के लिए इनफ है मैं उतना ही यूज करती हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये सनस्क्रीन व्हाइट कास्ट बिल्कुल नहीं छोड़ता।
ओके, सो मैं मेंशन करना भूल गई कि इसमें SPF 50 है PA++++। विंटर्स में ड्राई नहीं होता आपका स्किन इस सनस्क्रीन को यूज करने के बाद, सो आई एम रियली लविंग दिस वन। नेक्स्ट इज लिप बाम। सो मेरी लिप्स बहुत ही ड्राई चैपी हो जाते हैं विंटर्स में स्पेशली, तो मैं ये वाला लेनेश का लिप स्लीपिंग मास्क, ये मैं विंटर्स में दिन में भी यूज करती हूं। इनफैक्ट लिटिल गोज अ लॉन्ग वे। इसका ना रिप्लेसमेंट मैं अभी तक फाइंड नहीं कर पाई हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बाकी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में, बट आई रियली लव दिस। बाकी बचा कुछ है नेक पे अप्लाई कर लेती हूँ। इसको लगाने के बाद आपको काफी देर तक लिप बाम अप्लाई नहीं करने की जरूरत है, सो मैं दिन में भी यही विंटर्स में भी प्रिफर कर रही हूँ। अगर मैं घर से बाहर निकल रही हूँ और मुझे थोड़ा सा लिप पे टिंट चाहिए, तो मैं उसे स्किप करके ये लैक्मे का लिप लव लगा लेती हूँ। अब तो मैंने ये अप्लाई कर लिया है तो मैं ये नहीं अप्लाई करूंगी। सो दिस इज इन द शेड चेरी। मैंने इससे पहले बहुत टाइम पहले निविया का ट्राई किया है, मेबलिन का ट्राई किया है, वो दोनों भी मुझे पसंद नहीं आए, पता नहीं मेरे लिप्स को सूट नहीं करा, बट दिस लैक्मे का एक प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इज लैक्मेज लिप लव। सो ये मैं तब अप्लाई करती हूँ, और शायद इसमें SPF भी है, इसमें तो मेंशन नहीं करा है बट उनके पैकेजिंग में था कि इसमें SPF है, तो ये मैं घर से बाहर निकलते वक्त जब मुझे लगता है कि मेरे स्किन को थोड़ा सा टिंट चाहिए और लिपस्टिक नहीं अप्लाई करना, सो मैं ये यूज कर लेती हूँ। एंड मेरा फेस का तो हो चुका है, मैं बॉडी के लिए विंटर्स में ये दिस इज मेरे बचपन का साथी, बचपन से अब तक का साथी, एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू यूजिंग दिस इन द विंटर्स। वैसलीन कोको ग्लो इंटेंस केयर, इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है, इंटेंस मॉइस्चराइजर है एज इट सेज, आपकी स्किन को काफी देर तक मॉइस्चराइज्ड रखता है, हाइड्रेटेड रखता है, एक्चुअल में ये बहुत अच्छा है। और मैं विंटर्स में इसे छोड़कर और कुछ भी नहीं यूज करती अपने पूरे बॉडी के लिए, सो आई स्लैदर माई बॉडी विद दिस वन। बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है इसका। एंड अगर मैं घर से बाहर निकल रही हूं तो ही मैं ये सनस्क्रीन यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मेरी स्किन उतनी एक्सपोज नहीं होने वाली, मैं जब घर पे रहूंगी मेरी बॉडी उतनी एक्सपोज नहीं होगी सन से, तो मैं जब घर से बाहर निकल रही हूँ तो ही मैं ये लोटस का एंटी टैन बॉडी लोशन SPF 25 PA++++ एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स के साथ है। So yes, that was it for my winter morning skincare routine. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नीचे कमेंट्स में बताना आप क्या रूटीन फॉलो करते हो, कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा। और yes, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करना। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो सुपर सून। टिल देन, thank you for watching this video. Bye.